आजी संजय का मैं तो कहीं एक केस बकाइए ये सारी आग ला के खराब कर दूर आ गया और ना कर भैया नहीं दिता। अस्सलाम वालेकुम जी, नहायत एक दुख वाली जड़ी है ना खबर अपड़ी है कि पंजाबी एक मजाइया जे ड्रामे बनते ने जी साडे आ पंजाब विच खासकर है ना साडे रिश्तेदार बैठे ने इधर मल्लू मोड़ वाली साइड दे चंग वाली साइड दे तो उधर अक्सर असीं जांदे हुंदे रहिंदे आ तो उत्थे वेखणा तो घर वाले सारे जी उन्हां दे ओह ड्रामे ला के ना ओह अपना वेंदे रहिंदे ते बड़ा हसना करना। उन्होंने विचों एक अदाकार है जी मुहम्मद बिलाल उर्फ चीना उन्होंने कहिंदे ने छोटा जिहा मदरे जे कद है वो यानी कि मजाइया क्लिपा में कम शम अदाकार काम करता रहा जिमें के रचनावी टीवी जिहड़ा ना खासकर उहदे उत्ते उहदे प्रोग्राम आउंदे रहे ने जिहड़ा रमजी सुगरी असरां दे अदाकारां दे नाल बड़े कमाल उन्होंने वो मजाइया जे ड्रामे होंदे ने वो जिहड़ियां स्टोरियां बनाते हैं मैं खुद बड़े शौक नाल उन्होंने वेखदा रहा वा जिमें कि रमजी बाकी जिन्हें भी आर्टिस्ट उहदे ते रचनावी ते काम कर रहे हैं साढ़े पंजाब का बड़ा शानदार वो जरा सोहना काम कर रहे हैं तो उहदे विच ऐ आर्टिस्ट जी छोटा जिहा मदरे जिहे कद दा जिहड़ा कि बड़ा हसांदा रहा बड़ा पतला जिहा सुका जिहा चीना उहदी खबर आई है जी कि वह जिहड़ा ना वह कल रब सुणे नूं प्यारा हो गया। बड़ा एक दुख की घड़ी है असीं उहनां दे नाल खलोते हाँ तो दुआ गुआ कि अल्लाह पाक जी उस बच्चे दे बच्चा बेचारा की उन्हें दुनिया से कोई मैं ना कुछ जुल्म ज्यादतियाँ बेचारे ने कर लिया होनगियां बाकी इंसान होने के नाते खतावान इंसान को भुलना हो जाए रब सोना माफ़ करके उन्होंने बेचारे जन्नत अल फिरदौस से सोना कर दे तो वो पिछले जो लवाकीन ने अल्लाह पाक उन्होंने सबरे जमील दे। असल में यह होंदा इस तरह जी कि खुद रचनावी टीवी के जिहड़े अपना मालकान ने ना उन्होंने एक इंटरव्यू मैं वेख्या वो खुद दस रहे ने कि बिलाल कोई बीमारी नहीं सी बिल्कुल ठीक ठाक सी कम शम करद की होया कि कल उन्होंने गले में ना जिमें बंद का गला खराब हो जाना जिम्मे नज़ला जुकाम लग जाना गले कोई इनफेक्शन होया गल बन जा कि एवं का कोई मामला होया लिया तो वो बेचारा जरा दवाई लैन साहिबवाल हस्पताल टुर गया। हूँ हस्पता जो जाता है ना तो उत्थे जाके तो डॉक्टर ने कोई तहकीक नहीं की कि बच्चे है की है पहले असी मजदी तहकीक तो करिए नहीं वो कोई काम नहीं किया सिर्फ की है कि जाते हैं सारे उन्होंने बकौल रचनावी टीवी वाल क्योंकि उन्होंने वो आर्टिस्ट जी ला तो बड़ी दुख वाली गल् कर रहे सन कि वह डॉक्टर ने जाते ही जरा टीका ला दिता वो टीका जरा लड़ गया मुहम्मद बिलाल उर्फ चीना जरा आर्टिस्ट जी मजाइया कॉमेडियन उन्होंने वो टीका लड़ गया जितों चंद सकेंटा बाद कहें जी डैथ हो गई उत्थे। हुण ये मैं दसो कि यह जी मौत है ये किदे सिर पेगी किनू कौन का जवाब दे होएगा कि आखिर कि ना अहली जी वजह तो सारा काम हुआ ठीक है जिनी दुनिया से जिंदगी बंदे की लिखी है ना वो उवें आनी है लेकिन यदा मतलब यह नहीं कि तुम आखो कि जो बस तकदीर च लिखिया से जो करके चुप करके बह जाइए ये जेडे मसीहा के नाँ से जे हस्पताल खैर ने खुले जे डॉक्टर ने साडे सारे इको जे नहीं मैं कहता लेकिन इला माशाल्लाह जो जालम लोग ने जल्लाद लोग ने जिन्होंने सिर्फ पैसा चाहिए कि सू किस तरीके माल है बंदा भावे फुड़कता फुड़कते मरद मर जाए सानू की लगे एक दरिंदे बैठे अल्लाह इन्हों समझते जे योजे कुछ लोग ने बाकी यदि सरकार अगे भी गुजारिश हुकूमत अगे यदि तहकीक होनी चाहिए तो जेड़े भी मुलजमान ने जिन्होंने काम गलत किया जेडे जालम दरिंदे डॉक्टर ने उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि यार चलो मनिया क्या पिंडा थावान वेखो तुम क्या जाता जी ताई डॉक्टर ने इन्हों कहता पता है जी कि तुम वे हस्पताल जाओ तो साहिवाल के वे हस्पताल भी यह काम होए एक आर्टिस्ट हाँ जिंद एक पहचान जिन्होंने करोड़ों लोग वेखन वाले ने उहदे नाल इस तरह होए तो आम बंदे का उत्थे सोचो की बनेगा। इस चीज़ का बहुता जरा ना दुख होया कि यार वेखो तुम एक पता नहीं वह बेचारा पूरे घर का एक निजाम चला रहा है चलाने वाली वाली मैं फिर कहना कि रब सोने की जात होंगी है लेकिन एक वसीले अल्लाह पाक ने बनाए होंगे ने दुनिया के सबब बनाए होंगे ने लिहाजा ये तो उन्होंने पता ना उन्होंने घर वाले कि उन्होंने की क्यामत गुजर रही है। एक होंगे कि वह घर च बैठे जाने वाली को मौत आ जाए ऐसे तरह ही या बीमार है बंदा बड़ी देर का बीमारी न लड़ रहा है या कि कोई एक्सीडेंट अचानक कुछ हो जाता है अचानक नहीं होया ये ना अहली है डॉक्टर की उन्होंने जालमा की जिन्होंने तहकीक नहीं की तो जाद्या सा टीका लवाया मैं याद पैंता इस तरह ही ना साढ़े अबू दसते ने कि उन्होंने जोड़ा जवानी वेले वो उन्होंने जिंदगी कभी टीका नहीं लवाया हूँ
ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਟੀਕਾ ਜਾ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਬਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਪਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਖਣ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਟਾਈ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਹੈਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਮਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸੇ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ ਕੁਝ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਯਾਰ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ 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 ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਰਚਨਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਐਸਰਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਸਵਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਤਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਤਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ।